नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की। देश में कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है, लिहाजा केंद्रीय कर्मचारियों से सभी वर्किंग डेज को ऑफिस आने को कहा गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में ये बात कही गई है। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश में एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या में भारी गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया। देशवासियों को हफ्ते के पहले दिन ही महंगाई की जबरदस्त मार झेलनी पड़ती दिख रही है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए बढ़ गए हैं, वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़त देखी गई। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह हल्का कोहरा देखा गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों और गंगा के मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में अब तक 53 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तपोवन में एनटीपीसी सुरंग से 8 और इसके बाहर से 2 शव बरामद किए गए। आशंका जताई जा रही थी कि सुरंग के अंदर करीब 35 लोग फंसे थे। इसके अलावा अब तक 154 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कृषि कानून के मसले पर किसानों के आंदोलन के साथ साथ विपक्षी भी जमीन पर उतरकर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और किसान महापंचायत में हिस्सा ले रही हैं। इसी सिलसिले में प्रियंका आज बिजनौर में होंगी। बजट के बाद से ही शेयर बाजारों में बढ़त का रुख बरकरार है। सुबह के कारोबारी सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 52,000 अंक के पार पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी तेजी देखी गई। कल पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। दरअसल जम्मू बस स्टैंड से करीब 7 किलो आईडी बरामद किया गया। इस मामले में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसे पाकिस्तान से आईडी प्लांट करने का मैसेज मिला था। ये सभी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दिशा रवि ने ही उस टूलकिट को एडिट किया था जिसे एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब दिशा को लगा कि इस टूलकिट में कई संवेदनशील चीजें हैं और वो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, तो दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग को इसे डिलीट करने को कहा। उत्तर प्रदेश की इटावा पुलिस ने अवैध असले की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को फैक्ट्री से 11 अवैध असला, 2 अर्धनिर्मित अवैध असला, 19 कारतूस, 315 बोर और 12 बोर के अलावा अवैध असला बनाने के कई उपकरण भी बरामद हुए। देश में बीते 2 हफ्तों से रोजाना कोरोना के मामले 15,000 से कम आ रहे हैं। इसके अलावा करीब 1.5 महीने से मौतों का आंकड़ा भी घटकर 200 से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 11,000 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 90 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पुरुष, 2 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल हैं। सभी मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जलगांव पुलिस के मुताबिक धुले से जलगांव के रावेरे की तरफ जा रहे ट्रक रावल रोड पर किनगांव के नजदीक पलटा। हादसा करीब रात 1 बजे हुआ। गुजरात में इस महीने के आखिर तक स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए नई तरकीब निकाली है। अक्सर आपने मोटू पतलू नाम के दोनों कैरेक्टर को कार्टून चैनल पर देखा होगा, लेकिन अब इन दोनों की एंट्री गुजरात के स्थानीय चुनावों में भी हो गई है। वैलेंटाइन डे पर सीएम शिवराज पत्नी साधना के साथ भोपाल के वन विहार में सुहाना सफर कर समय बिताने पहुंचे। इस बीच सीएम शिवराज लोगों से मिलकर उनका अभिवादन भी करते दिखे। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने कुख्यात अपराधी को मार गिराया। कुख्यात शूटर गिरधारी पर कई मामले दर्ज थे। वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में भी वांछित चल रहा था। बताया जा रहा है कि निशानदेही के लिए उसे बाहर ले जाया गया था, वहीं पर भागने की कोशिश के दौरान मुठभेड़ हो गई। कल पुलवामा हमले की दूसरी बरसी थी। इस मौके पर देश ने इस हमले में शहीद जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र में भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कल विशेष गंगा आरती की गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी के साथ राज्य में पार्टियों के बीच भी जुबानी जंग जारी है और इसी बीच बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक रैली के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शब्दों की मर्यादा लांघते हुए घोष ने कहा कि अगर चुनाव के बाद माएं अपने बच्चों को चेहरा देखना चाहती हैं तो माओं को बोलो कि अपने बच्चों को नियंत्रण में रखें। केंद्र से बिहार राजनीति में एंट्री करने वाले बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने बीते बुधवार को बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस काम को बखूबी कर दिखाएं, इसके लिए वो मंत्री पद ग्रहण करने के बाद इबादत के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने हजरत मोइदुन चिश्ती की दरगाह पर चादर पोशी कर बिहार की तरक्की के लिए दुआ मांगी। साल 2002 में फिल्म रहना है तेरे दिल से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री दिया मिर्जा एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधे जा रही हैं। दिया मिर्जा की दोबारा होने वाली शादी के साथ साथ उनसे जुड़ी तमाम रस्में मुंबई में निभाई जाएंगी। बता दें कि 11 साल के रिश्ते को खत्म कर एक बार फिर से दिया शादी कर रही हैं।
यूपी में आज से कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स को आज दूसरी खुराक दी जाएगी। इसके अलावा पहले चरण में छूटे हुए 2 लाख से अधिक हेल्थ वर्कर्स को भी वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। टीकाकरण सुबह 9 बजे से शुरू किया जा चुका है। क्रिकेट मामले में गिरफ्तारी की गई 21 साल की एक्टिविटीज दिशा रवि का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मसले पर ट्वीट किया और सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में नए कोरोना वायरस के केस सामने आने के बाद 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। रविवार रात से ये लॉकडाउन लागू हो गया है। शनिवार शाम न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डने ने कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया। दुनिया भर में कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वर्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं अमेरिका में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 2,80,00,000 से ज्यादा हो गई है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की पत्नी मेघन मार्कल ने वैलेंटाइन डे के मौके पर पूरी दुनिया के साथ एक खुशखबरी शेयर की। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल दूसरी बार माता पिता बने जा रहे हैं। मेघन ने इससे पहले मई 2019 में बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम आर्ची है। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल मई 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे। किसान आंदोलन का आज 82वां दिन है। किसान आंदोलन लगातार तेज होता नजर आ रहा है। अब किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान का ऐलान किया। ऐलान के बाद से ही शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। बॉलीवुड में सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती के बारे में हर कोई जानता है और दोनों के फैंस भी इन दोनों को अक्सर स्क्रीन पर साथ देखना पसंद भी करते हैं। तो एक बार फिर आप हो जाइए तैयार, क्योंकि जल्द ही इन दोनों को आप एक साथ स्क्रीन पर शेयर करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, फिल्म पठान के लिए सलमान खान जल्द ही शूटिंग करने वाले हैं। और 5 मिनट में 25 खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।